नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डायनेमिक के एक और नेक्स्ट क्लास में, यानी पिछली क्लास में हम रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बताए थे और उसके आंसर भी बता रहा था। तो आज और आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और हम करने वाले हैं। दोस्तों एक छोटा सा हमने एक नया तरीका खोजा है आपके लिए, ताकि आपको क्वेश्चन इस स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ताकि हम क्वेश्चन लिखने वाला समय हमारा बच सके। अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और आप भी साथ साथ पढ़ते रहना और क्वेश्चन को समझना, फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़े हैं ये, और लगभग 20 से 25 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाती है, तो इसलिए छोटी सी कोशिश की है ताकि आपको ये समय बच सके कि मैं आपको क्वेश्चन आपको दिखा सकूं स्क्रीन पर। इस छोटे से प्रयोग में हमारा सपोर्ट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इन क्लासेस को हर विद्यार्थी तक, ताकि वे भी इनका फायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब और शेयर सपोर्ट लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ देता हूं और साथ साथ आप भी पढ़िए कि पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस ए। कोई कण है वो एक सरल रेखा के अंतर्गत गति कर रहा है, और जो कहां से विरामावस्था ए से चल रहा है टुवार्ड द सेंटर ऑफ फोर्स। इफ इट्स एक्सेलरेशन, यदि इसका त्वरण एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, उसका त्वरण दे रखा है हमें म्यू अपॉन एक्स की पावर 5/3। कहाँ, जब ये कण है जो पार्टिकल है वो केंद्र की ओर जा रहा है, देन हमें प्रूफ करना है इट विल रीच ओरिजिन आफ्टर ए टाइम 2a की पावर 4/3/√3μ, यानी इस समय बाद पार्टिकल केंद्र पर पहुंचेगा। प्रश्न क्या है सीधा देखिए, साधारण रूप से कि हमें कह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो विरामावस्था, यानी ये है हमारी मैं लास्ट कंडीशन, ए से यहाँ से चलकर ओरिजिन की ओर आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। और बल का नियम दे रखा है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन का मान ये है फोर्स, इस फोर्स के अधीन गति कर रहा है। और अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये यहाँ से पार्टिकल चला है और यहाँ पर पहुँचेगा, तो हमें टाइम बताना है कि टाइम इस का मान इतना होगा, हमें ये प्रूफ करना है। शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए मान हमें दे रखा है d² x / dt² − −μ/x की पावर 5/3। माइनस क्यों आया या नेगेटिव चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये केंद्र की ओर या सेंटर की ओर आ रहा है पार्टिकल, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आया है। तो अब देखिए क्या करते हैं हमें टाइम का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं इसका वेलोसिटी का मान निकालूंगा और फिर वेलोसिटी से हम dx/dt करके उसका टाइम निकाल लेंगे। देखिए ये है मेरा d² x / dt², और मैं जानता हूं कि चूंकि d² x / dt² बराबर क्या होता है vdv/dx, मान रखिए vdv/dx = −μx/5/3। सेपरेट ऑफ वेरिएबल, यानी चरों का पृथक्करण कीजिए, तो v वाले इधर रख लीजिए, vdv − μx/5/3 dx इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों पक्षों का। अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा, v² / 2, यही तो आएगा बराबर −μ। अब देखिए x^-5/3 इसका इंटीग्रेशन √2 − μ। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x^-5/3। अब देखिए x^n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है −5/3 + 1/−5/3 + 1, यही तो हम करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा हमारा LCM 3 आया, तो ऊपर क्या बचेगा x^-2/3, नीचे क्या बचेगा 2/3, अब ये ऊपर जाएगा तो 3/2, यही तो होगा। अब ये मान वापस इतना हमने प्रूफ कर दिया है, तो ये लिख दीजिए 3/2 x^-2/3 प्लस एक आर्बिट्रिक नेतांक आएगा या कांस्टेंट कह दें, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। अब देखिए मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट है इसी तरीके से, यानी अब ऐसा कांस्टेंट ले सकता हूँ c/2, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए सभी में। अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें दर्शाना है, इतना मैंने निकाल दिया। अब देखिए कांस्टेंट c का मान निकालना है, जब पार्टिकल देखिए v² का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए कितना आया, −3μ x^-2/3 + कांस्टेंट। अब देखिए वहन
एक्स बराबर ए पर वी बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है। यानी मैन ये कंडीशन थी हमारी, इतनी डिस्टेंस ए थी, यहां ए पर वी, एक्स बराबर तो ए है लेकिन वी बराबर क्या है, जीरो है। अब ये मान यहां पर मैं पुट करूंगा, वी बराबर मैंने जीरो किया और एक्स बराबर मैंने ए रखा, तो मेरा जो सी का मान है या सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बराबर ए रखिए तो सी बराबर मेरा, आप करके देखिए मैं आपको यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा इस बारे में सोच सकें, तो सी बराबर देखिए क्या आएगा, थ्री म्यू और ए की पावर माइनस टू अपॉन थ्री, सही है। देखिए इधर जाएगा तो नेगेटिव, यहां पर बस ए रखना है, एक्स बराबर ए, ये सी का मान वापस यहां पर पुट कर दीजिए। अब ये मान मैं यहां पुट करूंगा तो वी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए थ्री म्यू मैं कॉमन निकाल लेता हूं और ए की पावर माइनस दो अपॉन तीन और माइनस एक्स की पावर टू अपॉन थ्री। बोलिए, मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया और यहां पर ये मान पुट कर दिया। आप साथ साथ अटेंटिव तरीके से रहें किस प्रकार ये चीजें आई है, ना मेरी स्पीड तेज है और ना स्लो है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में आपके पास बुक होगी और एक नोटबुक होगी तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। साथ साथ में देखते रहिए ध्यान से, वी स्क्वायर बराबर थ्री म्यू। अब देखिए मैं यहां पर इसे ए की पावर दो बटा तीन, एक्स की पावर दो बटा तीन ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताइए जरा, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, वी स्क्वायर बराबर थ्री म्यू, एलसीएम लिया तो एक्स की पावर टू अपॉन थ्री माइनस, यही आएगा दोस्तों, एक्स की पावर टू अपॉन थ्री माइनस ए की पावर टू अपॉन थ्री। दोस्तों हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी दोस्तों, हमने जब इंटीग्रेशन किया था एक्स की पावर माइनस पांच बटे तीन प्लस नेगेटिव चिन्ह आया था, यहां पर देखिए हम प्लस करेंगे तो नेगेटिव का आ रहा है ये मान और हमने ये माइनस दो बटा तीन आएगा, हमने पॉजिटिव ले लिया तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब ये नेगेटिव का नहीं पॉजिटिव होगा तो इस वजह से यहां पर ये मान क्या हो गया अपना नेगेटिव का। दोस्तों सॉरी, छोटी सी गड़बड़ हो गई, साफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए थोड़ा सा दोबारा करते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरा, यहां से ये मान यहां पर थ्री म्यू मैं कॉमन निकाल लेता हूं। अब देखिए थ्री म्यू मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा मेरा, इस बार देखिए एक्स की पावर माइनस टू अपॉन थ्री माइनस ए की पावर माइनस टू अपॉन थ्री। अब ये नेगेटिव का होगा, सॉरी दोस्तों, थ्री म्यू वन अपॉन एक्स की पावर टू अपॉन थ्री माइनस ए की पावर टू अपॉन थ्री। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर थ्री म्यू, यहां से ए की पावर टू अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर टू अपॉन थ्री, एलसीएम आया ए की पावर टू अपॉन थ्री एक्स की पावर टू अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं वेलोसिटी का मान रख देता हूं, वी बराबर मेरा मान क्या जाएगा, वी बराबर अंडर रूट थ्री म्यू और ये भी अंडर रूट के अंदर। अब देखिए कॉन्स्टेंट है, मैं इसे बाहर निकाल लूंगा और बाहर निकालूंगा तो यहां पर क्या आएगा, ए की पावर वन बाई थ्री, तो अंदर क्या बचेगा, a की पावर 2 अपॉन 3 माइनस x की पावर 2 अपॉन 3 x की पावर 2 अपॉन 3, ठीक है, ये है हमारा अंडर रूट के अंदर। अब v को मैं लिख सकता हूं दोस्तों, वेलोसिटी को स्थिति में परिवर्तन की दर यानी dx बाई dt के रूप में लिख सकता हूं, अंडर रूट 3 म्यू a की पावर 1 अपॉन 3 a की पावर 2 अपॉन 3 माइनस x की पावर 2 अपॉन 3 और x की पावर 2 अपॉन 3। अब देखिए चरों का पृथक्करण या सेपरेट ऑफ वेरिएबल कर दीजिए, dx वाले पद को इधर और देखिए dt को मैं यहाँ अकेला रखता हूँ, dt को मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब देखिए dx को मैं ले जाऊँगा तो देखिए x की पावर 2 अपॉन 3 का अंडर रूट और a की पावर 2 अपॉन 3 माइनस x की पावर 2 अपॉन 3 और यहाँ पर ये dt इधर आ जाएगा तो इसके साथ में क्या होगा, अंडर रूट थ्री म्यू ए की पावर वन बाई थ्री। अब देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा dx, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है हमें, x की पावर टू अपॉन थ्री आ जाएगा और dx दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास, तो x बराबर क्या मानता हूँ मैं। अब देखिए x बराबर हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट होगा नहीं, कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो x बराबर या तो साइन मान लीजिए या फिर कोस मान लीजिए, तो x बराबर a कोस क्यूब थीटा, क्यों माना,
देखिए x की पावर 2/3 है तो a की पावर 2/3 हमें बाहर निकालना चाहिए। अब इसका मान ये रखेंगे तो a की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा, इससे यहाँ पर भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और क्या बचेगा हमारे पास, 3 का हम देखिए 3 आएगा तो यहाँ पर स्क्वेयर बार आएगी, 1 cos स्क्वेयर क्या होगा साइन, ऐसे इसलिए माना है। तो यहाँ पर dx का मान भी हमें निकालना है तो 3a cos स्क्वेयर थीटा साइन थीटा नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि कोस का अवकलन होता है वो क्या होता है नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर हमें टाइम निकालना है कि ए से हमें ओरिजिन तक यानी ए से जीरो तक हमें टाइम निकालना है, पार्टिकल ए से चला है और जीरो तक, टाइम क्या होगा जीरो से टी मान लीजिए, ए से जीरो तक यानी ओरिजिन तक एक्स बराबर ए से जीरो तक हमें टाइम निकालना है। तो रखिए एक्स बराबर ए, लिमिट भी साथ साथ में लोअर लिमिट और मान चेंज कर लेते हैं। एक्स बराबर ए रखा हमने, ए से ए कैंसिल, कोस कोस क्यूब थीटा बराबर एक है तो कोस थीटा बराबर भी एक होगा। और थीटा का मान एक कब होता है, थीटा का मान एक कब होगा, कोस थीटा का मान एक कब होता है, थीटा बराबर 0 degree पर। तो एक पहली लिमिट ये आ गई। दूसरी लिमिट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो रखा तो कोस जीरो का मान कब आएगा, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर। लिमिट रख दीजिए जीरो से पाई बाई 2। अब यहाँ पर रखा है हमने ए की पावर 2/3 कोस स्क्वेयर थीटा, अपॉन में क्या बचेगा, ए की पावर 2/3 मैंने बाहर निकाल लिया, 1 cos स्क्वेयर थीटा, और यहाँ dx का मान मैंने रख दिया -3a cos स्क्वेयर थीटा sin थीटा d थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे और बराबर में हमारे पास क्या है अंडर रूट 3μ a की पावर अंदर लेंगे तो 2/3 और डी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा मान मेरा, कोस स्क्वेयर 1 cos स्क्वेयर साइन, साइन कोस स्क्वेयर अपॉन साइन, और बाहर आएगा कोस थीटा साइन थीटा के रूप में। और अब देखिए आगे क्या होगा कि 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट है ही, अंदर बाहर आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में क्या है -3a को मैं आगे ले आता हूं, कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस क्यूब थीटा -3a 0 से पाई बाई 2 कोस क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो हमें 11th में भी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कोस 3 थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि कोस 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, कोट 3 थीटा, ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब देखिए हमें मान निकालना है कोस क्यूब का, क्योंकि कोस क्यूब का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा तो हम फॉर्मूले से इसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कोस क्यूब थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा, कोस 3 थीटा -3 कोस थीटा अपॉन में 4, ठीक है। ये मान मैं यहां पर पुट कर देता हूं और देखिए इसे भी मैं साथ में इधर मल्टीप्लाई करा दूं, देखिए एक -3a और a की पावर 1/3 आएगा इंटू a की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट अपॉन 3μ, ठीक है। और साथ में क्या है मेरा 0 से पाई बाई 2 कोस 3 थीटा -3 कोस थीटा, कोस 3 थीटा -3 कोस थीटा अपॉन 4, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो डी थीटा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, अंडर रूट 3 ऊपर बचेगा अंडर रूट 3 और इधर भी क्या बचेगा अपॉन में अंडर रूट म्यू और ए की पावर 4/3 जोड़ेंगे, देखिए इन आधार समान है घाते जुड़ जाएंगी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं और अपॉन में इधर 4 को यहां भी ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए कोस 3 थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा अपॉन 3 -3 साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया और लिमिट देखिए क्या है 0 से पाई बाई 2। अब ये लिमिट रख देता हूं मैं और कोई दिक्कत नहीं इस चीज में।
अब देखिए लिमिट रख देता हूं मैं, जीरो से पाई बाई टू लिमिट रखनी है। अब पाई बाई टू रखेंगे तो साइन थ्री पाई बाई टू अपॉन में थ्री माइनस थ्री साइन साइन अब पाई बाई टू, ठीक है। अब जीरो रखेंगे तो ये मान जीरो ही हो जाएगा, जीरो ये रखिए, जीरो रखेंगे तो यहां पर जीरो और जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट म्यू ए की पावर फोर अपॉन थ्री फोर, ये हो गया 200, कितना मान हो गया 270, और 270 का मान होता है माइनस एक माइनस वन अपॉन थ्री, और माइनस क्या हो जाएगा थ्री, ठीक है, यही तो होगा। अब देखिए इसे हल करते हैं अपन, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस है, और इसे सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट म्यू ए की पावर फोर अपॉन थ्री, और जो हमें मान ये निकालना था टाइम का, ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया और यहाँ पर ये हमारा मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई है, पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।